Hello students of class 12th. Today our topic is exercises method for strength development. तो exercises for strength development में क्या है? Exercises होता है the act of bringing body into play. Methods हो गया procedures, strength हो गया toughness, development होता है result of developing. एक्सरसाइजेज मेथड फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में क्या है? देयर आर थ्री एक्सरसाइजेज एंड तीन टाइप की एक्सरसाइजेज हैं इसमें जो स्ट्रेंथ में डेवलपमेंट करने में मदद करती है. नंबर फर्स्ट है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज. तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज में क्या है, इसकी सबसे पहले है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन होता है स्टडी ऑफ न्यू थिंग, और स्टडी ऑफ न्यू थिंग्स क्या है, आइसोमेट्रिक. आइसो में इसमें दीज एक्सरसाइजेज वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय हेटिंगर एंड मूलर इन 1953. इस एक्सरसाइजेज को हेटिंगर और मूलर ने डेवलप किया था. थ्रू दीज एक्सरसाइजेज ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ कैन बी डिवेल्प्ड. ट्रमेंडस होता है ह्यूज, स्ट्रेंथ जो है वो डिवेल्प होती है किसमें, एक स्पोर्ट्स पर्सन में. द वर्ड आइसोमेट्रिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. जो आइसोमेट्रिक वर्ड है, शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. एक है आइसो और मैट्रिक. आइसो होता है मींस सेम, एंड मैट्रिक होता है रेफर्स टू मसल स्ट्रेंथ. जो आपके मसल की स्ट्रेंथ है वो कैसी है, स्ट्रेंथ हो गया पावर, टफनेस कैसी है. इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज द लेंथ ऑफ मसल्स रिमेन द सेम ड्यूरिंग वर्कआउट. तो इस ट्रेनिंग में मीन्स एक्सरसाइजेज में जो आपके मसल्स की लेंथ वो क्या है, रिमेन सेम, वो सेम रहती है, एक जैसी ही रहती है ड्यूरिंग वर्कआउट. जब हम एक्सर्शन करते हैं, वर्कआउट करते हैं. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैव नो एक्सटर्नल मूवमेंट्स एंड वर्क डन इज ज़ीरो. तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में नो एक्सटर्नल मूवमेंट्स, बाहर से हमें उसकी कोई भी मूवमेंट मींस चेंज नहीं दिखती है. एंड वर्क डन इज़ ज़ीरो, और जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है, मींस देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन दिस एक्सरसाइजेज. हेंस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हैव नो विजिबल मूवमेंट. विजिबल होता है जो हमें कैपेबल ऑफ बींग सीन, जो हमें दिखने में मदद करता है, वो नहीं दिखता है. दो लॉट ऑफ प्रेशर इज एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन बाय परफॉर्मिंग इट. जब ये कोई इंसान करता है, मीन्स इंडिविजुअल्स करता है, एथलीट करता है, स्पोर्ट्स पर्सन करता है, तो उस पर इसका जो प्रेशर है, जो बर्डन है, वो ज़्यादा होता है. वो एक्सपीरियंस करता है इससे कि उस पर जो बर्डन है उसका वो ज़्यादा है. एंड आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हेल्प द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट बट डू नॉट मूव द जॉइंट, दस मसल फाइबर्स मेंटेन सेम लेंथ. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या मदद करती है, टू कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट होता है बिकम इफेक्टिवली, मीन्स लेंथन होते हैं मसल बट डू नॉट मूव, लेकिन वो मूव नहीं करते हैं. एंड जॉइंट, दस मसल्स फाइबर मेंटेन सेम लेंथ. जॉइंट होता है जहाँ पर प्लेस वेयर टू थिंग्स आर जॉइंट टूगेदर, दो चीज़ें जो है एक जगह पर मिलती हूँ. एंड मसल फाइबर मेंटेन सेम लेंथ, और मसल्स की जो लेंथ है वो सेम रहती है. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हेल्प्स टू डेवलप मसल स्लॉट ऑफ टेंशन. स्लॉट होता है नैरो पैसेज, टेंशन होती है अनरेस्ट. तो मसल्स में जो स्लॉट मीन्स पैसेज है अनरेस्ट उसको मिलती है. सच एज मसल्स बिकम हार्ड बट देयर आर नो मूवमेंट टेकिंग प्लेस एंड द लेंथ ऑफ मसल डू नॉट चेंज ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज. तो हार्ड मसल जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं, मीन सख्त होते हैं. एंड बट देयर आर नो मूवमेंट, लेकिन उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है. एंड द लेंथ ऑफ द मसल्स डू नॉट चेंज ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक, और मसल्स की जो लेंथ है वो भी वहाँ पर चेंज नहीं होती है, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आती है.
इन दीज एक्सरसाइजेज द फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स फील्स ट्रमेंडस रेजिस्टेंस ओवर मसल वेयर एज देयर इज ए मूवमेंट ऑफ मसल्स। तो इस एक्सरसाइजेज में फ्लेक्सर्स मसल्स कौन से, फ्लेक्सर्स क्या हो गया, मसल सर्विंग टू बेंड द बॉडी, जो बॉडी को बेंड करने में मदद करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर्स मसल्स। एंड एक्सटेंसर मसल्स होते हैं जो बॉडी को एक्सटेंड करने में मदद करते हों, उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसर मसल्स। फील ट्रमेंडस, ट्रमेंडस होता है जहाँ पर ह्यूज प्रेशर जो है, रेजिस्टेंस अपोजिट अपोजिशंस होती है ओवर मसल्स वेयर देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मसल, जहाँ पर कोई भी मूवमेंट मसल्स में ना होती है वहाँ पर उसकी ट्रमेंडस रेजिस्टेंस दिखती है, महसूस होती है। दीज एक्सरसाइजेज आर इफेक्टिव फॉर प्लेयर्स और एथलीट्स परफॉर्मिंग वेट लिफ्टिंग, जिमनास्टिक, जूडो, रेसलिंग एंड कबड्डी एक्स्ट्रा। तो ये जो एक्सरसाइज है ये प्लेयर्स के लिए, एथलेटिक जो एथलीट्स हैं परफॉर्मिंग वेट लिफ्टिंग करते हैं, मींस दोज हु लिफ्ट द वेट, जिमनास्टिक हो गया, डिफरेंट एक्सरसाइजेस परफॉर्म्ड इन द जिमनेजियम हॉल्स ऑन डिफरेंट अपरेटस पर किया जाते हैं, जूडो जहाँ पर डिफरेंट अम्पोनेंट को थ्रो करता है, रेसलिंग होता है जहाँ पर टू अनआर्म्ड इंडिविजुअल्स होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं हैंड टू हैंड और एक दूसरे को नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं। एंड कबड्डी जहाँ ये एक इंडियन स्पोर्ट्स गेम है। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं, प्रेसिंग और पुशिंग द बॉल जो ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं, जिस लिफ्टिंग वेरी हैवी वेट इन होल्डिंग द स्टैटिक पोजिशंस, स्टैटिक पोजिशन होते हैं सिंगल पोजिशन पर ही कोई एक बहुत ज़्यादा वजन जो है आपने होल्ड करके रखा है, पकड़ा हुआ है, पुलिंग ऑफ रोप इन ए टग ऑफ वॉर। तो टग ऑफ वॉर होता है जहाँ पर एक रोप होता है उसको दोनों तरफ से दो टीम जो है आपस में खींचती हैं और उसको हम बोलते हैं टग ऑफ वॉर। आर्म रेसलिंग, आर्म रेसलिंग में क्या करता है, इंडिविजुअल एक दूसरे के हैंड को ग्रिप करते हैं और उसको गिराने की कोशिश करते हैं। एडवांटेजेस मींस मेरिट्स, बेनिफिट्स क्या हैं इसके, दीज एक्सरसाइजेस नीड लेस टाइम। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि ऐसी एक्सरसाइज के लिए हमें समय बहुत कम चाहिए, इसकी जो कंट्रैक्शंस है, ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शंस मसल्स की 5 to 7 seconds होती है। मोस्टली दीज एक्सरसाइजेज आर परफॉर्म्ड 3 to 5 days पर वीक, और ये जो एक्सरसाइज है हफ्ते में 3 या 5 दिन ही परफॉर्म की जाती है। दीज एक्सरसाइजेज नीड लेस इक्विपमेंट, और इसके लिए इक्विपमेंट होते हैं ऑपरेटर्स, वो भी हमें कम चाहिए। मोस्ट ऑफ द आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कैन बी डन ओनली ऑन वन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पावर रैक। तो ये जो एक्सरसाइज है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, इसके लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट जो है वो काफ़ी होता है, जिसको हम पावर पैक के नाम से जानते हैं। दीज एक्सरसाइजेज कैन बी परफॉर्म्ड एनी वेयर मोर ओवर, नो हेल्पर इज रिक्वायर्ड। और इन एक्सरसाइजेस को करने के लिए हमें किसी भी दूसरे की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस डिवेल्प ए हाई लेवल ऑफ स्टैटिक स्ट्रेंथ, स्टैटिक स्ट्रेंथ हो या वन पोजीशन पर जो हम वेट उठाते हैं उसमें हमारी मदद करती है। मैक्सिमल स्ट्रेंथ इफेक्टिव फॉर टोटल मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ हो गई अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाई मसल्स इन विद सिंगल एफर्ट में हमें मदद करती है। फिर उसके बाद है द एक्सरसाइजेज कैन बी परफॉर्म ड्यूरिंग वार्मिंग अप सेशंस, ये जो एक्सरसाइजेज हैं वार्मिंग अप सेशंस कौन सा हो गया, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पेशली बिफोर एंट्रिंग इन गेम्स और कॉन्टेस्ट, जब हम किसी गेम में खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इट कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड बाय एन इंजर्ड प्लेयर्स, तो इंजर्ड प्लेयर्स हो गया जो कोई हर्ट हुआ प्लेयर्स है, चोट लगी है थोड़ी बहुत, वो भी इसको परफॉर्म जो है वो कर सकता है। डिसएडवांटेजेस, इसके जो डीमेरिट्स हैं जो, वो क्या हैं, दीज एक्सरसाइजेज डिवेल्प ओनली द स्टैटिक स्ट्रेंथ,
तो इसका पहला डीमेरिट सबसे पहले है कि स्टैटिक स्ट्रेंथ मीन्स एक ही पोजीशन पर, सिंगल पोजीशन पर ही एबिलिटी एज एन एजेंट क्या करता है, तो सिंगल पोजीशन पर ही ये स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। देयर इज़ ए वेरी लिटल इम्प्रूवमेंट इन डायनेमिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक होता है रिलेटेड टू मूवमेंट, इसमें डायनेमिक स्ट्रेंथ जो है बहुत कम जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। वाइल डूइंग दीज एक्सरसाइजेज ग्रेट कंप्रेशन ऑन द चेस्ट कैविटी इज फेल्ट। तो जो इंडिविजुअल इन एक्सरसाइजेज को करता है उनकी जो कैविटी चेस्ट होती है उस पर उसको ज़्यादा दबाव जो है वो महसूस होता है। चिल्ड्रन एंड हर्ट पेशेंट आर एडवाइज नॉट टू परफॉर्म आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। तो जो बच्चे हैं या जो हर्ट का बीमारी है जिनको, वो ऐसी एक्सरसाइजेज जो हैं वो उनको परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। देयर इज़ ए लेस वेराइटी ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। तो आइसोमेट्रिक में वेराइटी होती है, नंबर ऑफ कलेक्शन जो हैं एक्सरसाइजेज की वो ज़्यादा नहीं है। कंक्लूजन हो गया इसका रिजल्ट, जजमेंट क्या है। द 5 वीक्स ऑफ आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज प्रोग्राम फॉर पेशेंट विद नी शोड बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑन क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेंथ, पेन एंड फंक्शनल डिसेबिलिटी। व्हाट फ्यूचर पैरामेट्रिक स्टडीज आर नीडेड विद लार्ज सब्जेक्ट नंबर्स टू कन्फर्म दिस फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स होती हैं जो इसमें पाया जाता है, पाया मीन इन्वेस्टिगेशन हुई है कि अगर ये जो एक्सरसाइजेस है, क्वाड्रिसेप्स होता है लार्ज मसल्स के, जैसे इन फ्रंट ऑफ थाई मसल्स होते हैं उनके लिए, जो पेशेंट नी सफरिंग होते हैं उनको इसमें फ़ायदा मिलता है, उनको मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, जो उनको पेन है, फंक्शनल डिसेबिलिटी है, कोई काम करने में कोई रुकावट आ रही है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही है, वो दूर हो जाती है। व्हाट फ्यूचर पैरामेट्रिक स्टडीज़ मीन्स जो आने वाले समय में है उसमें पैरामेट्रिक कौन कौन सी, इसमें क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या इक्वेशन होनी चाहिए, जो इसके जो स्टडीज़ जो है मीन्स उसमें जो पेपर्स पब्लिश हुई, रिपोर्ट पब्लिश हुई है, क्या उसको वो कंफर्म करता है, अप्रूव करता है, इनकी फाइंडिंग होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। सेकंड है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस जो है इसकी सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हो गई टू नो द न्यू थिंग्स। आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जे जे पेरियंस इन 1968। 1968 में जे जे पेरियन ने आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज को डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस किया था, उसको जाना था। दिस वर्ड इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, इट मीन्स सेम मोशंस। लैटिन्स क्या होता है, लैटिन्स होता है इटैलिक लैंग्वेज है ऑफ रोम्स की है, और उसमें इसका मीनिंग है सेम मोशन, किसका, आइसोकाइनेटिक का। इन आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस देयर इज ए मूवमेंट अलोंग विद कंटिन्यूस टेंशन ऑफ बोथ फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स। तो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में इसमें मूवमेंट मीन देयर इज ए मूव अलोंग विद द कंटिन्यूस होता है रेगुलरली तौर पर, उसमें मसल्स पर अनरेस्ट टेंशन है, बोथ फ्लेक्सर्स, फ्लेक्सर मसल्स हो गए, मसल सर्व्स टू एक्सटेंडिंग द बॉडी पार्ट, और मसल्स सर्व टू बेंडिंग द बॉडी पार्ट्स। इन आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज द मसल कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमली थ्रू आउट द फुल रेंज ऑफ मूवमेंट एट कॉन्स्टेंट स्पीड। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में जो मसल्स होते हैं वो फुली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मीन्स एक्सटेंड होते हैं कॉन्टिन्यूसली, जितने समय में मूवमेंट एट कॉन्स्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड पर वो लगातार फुल रेंज में, फुल रेंज हुई कंप्लीट रो में, और उसमें क्यूकनेस आती है। बोथ फ्लेक्सर एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, और वो दोनों मसल जो हैं, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल जो हैं, वो एक ही समय पर सेम टाइम पर उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दीज एक्सरसाइजेज रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट, और इसके लिए एक ख़ास किस्म के मीन्स पर्टिकुलर क्वालिटी के जो इक्विपमेंट, इक्विपमेंट अपरेटस चाहिए, लाइक साइकिलिंग, स्विमिंग एंड वेट ट्रेनिंग मशीन्स विच स्प्रिंग और एलास्टिक रेजिस्टेंस। तो
स्प्रिंग हो गया टू मूव जस्ट लाइक एन इलास्टिक, इलास्टिक होता है चेंजिंग शेप एंड साइज, इस तरीके के वो इक्विपमेंट होने चाहिए। मोस्ट ऑफ द आइसोकाइनेटिक मशीन्स ऑल्सो हैव रीड आउट डिवाइसेस, तो बहुत से आइसोकाइनेटिक मशीन्स जो हैं, मशीन्स क्या हो गई, परफॉर्मिंग ए टास्क, उस पर एक रीड आउट मीन्स डिवाइस लगा होता है जिसके हम उसकी जो रिकॉर्डिंग जो है वो, उसके जो डाटा जो है वो हम देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग मसल टेंशन, उससे हम मसल टेंशन कितनी रिकॉर्ड होती है उसमें वो देख सकते हैं। दिस हेल्प इन एवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर और एथलीट्स, और उससे हम एवेल्युएट टू फिक्स द वैल्यू, उससे हम उसकी परफॉर्मेंस को हम एवेल्युएट कर सकते हैं, मीन्स फिक्स कर सकते हैं ऑफ द प्लेयर, या प्लेयर की या एथलीट की। प्लेयर होता है जो गेम्स एंड गेम्स में हिस्सा लेता है, और एथलीट्स हो गया जो एथलेटिक्स में हिस्सा लेता है, एंड रसलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, जूडो हो गया, रसलिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, वो हो गए एथलीट्स। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? दीज एक्सरसाइजेज आर इफेक्टिव फॉर ऑलमोस्ट एवरी गेम, ये तकरीबन सभी गेम्स के लिए असरदार है। When isokinetic exercises are performed at fast speed, it increases strength. जब हम इसको fast speed means quickness से कम करते हैं तो इसकी जो strength है वो increase हो जाती है। Isokinetic exercises develop the overall flexibility at all speeds of movement. तो इसकी जो overall flexibility है, flexibility क्या होती है, changing of the body position easily. स्पीड में ही वो अपनी बॉडी पोजीशन को वो इजीली वो जो है वो चेंज कर सकता है, उसमें मूवमेंट को चेंज कर सकता है। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज डेवलप हाई लेवल ऑफ डायनेमिक स्ट्रेंथ एज वेल एज स्टैटिक स्ट्रेंथ। तो आइसोकाइनेटिक में दो किस्म की जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होती हैं, एक होती है डायनेमिक, डायनेमिक होती है रिलेटेड टू मूवमेंट, और उसके बाद है स्टैटिक, सिंगल पॉइंट पॉइंट पर भी ये स्ट्रेंथ जो है सिंगल पोजीशन पर भी चेंज होती है। इट इम्प्रूव्स ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ लाइक एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, मैक्सिमल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस। तो ये कौन कौन सी स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूवमेंट होती है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू कम रेजिस्टेंस विद फास्ट कंट्रैक्शंस। फास्ट कंट्रैक्शन जब होती है मसल्स की तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। मैक्सिमल स्ट्रेंथ हो गई हाईएस्ट स्ट्रेंथ, एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस, स्ट्रेंथ एंडोरेंस क्या हो गई, पावर टफनेस। एंडोरेंस होती है लॉन्गर ड्यूरेशन तक आपके मसल्स जो हैं वो वर्क करते हैं विदाउट फीलिंग एनी काइंड ऑफ फटीग। डिसएडवांटेजेस, इसके मेरिट डीमेरिट्स क्या हैं, इट रिक्वायर्ड स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट, तो इसके लिए एक ख़ास किस्म के जो अपरेटस जो हैं वो चाहिए हमें। मच एक्सपेंसिव इक्विपमेंट इज़ नॉट फाउंड इन मैनी जिम्स, और बहुत से एक्सपेंसिव हो गया इन्वॉल्विंग हाई कॉस्ट, ऐसे इक्विपमेंट जो हैं हम बड़े से जिम में भी नहीं पा सकते हैं। जिम होते हैं जहाँ पर डिफरेंट इक्विपमेंट यूज्ड फॉर फिज़िकल एक्सरसाइज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हों। मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज टेंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन कंबाइंड, टेंड होता है टू मूव, तो मसल्स एक्टिविटीज़ को जब हम डायरेक्ट करते हैं इफेक्टिव व्हेन कंबाइंड, जो दोनों मिलकर काम करने के लिए करते हैं तब इतनी मोस्ट इफेक्टिव व्हेन कंबाइंड, जब ये कंबाइंड तरीके से काम करती है तब ये इफेक्टिव होती है। ये रिकमेंडेड रूटीन इज़ टू ऑल्टरनेट डेज एंड फोकस ऑन वन टाइप मसल्स ट्रेनिंग पर डेज, रिकमेंडेड होता है एंडोर्स करना, रूटीन हो गया डेली तौर पर, और ऑल्टरनेट होता है वन साइड देन अदर साइड, और इस तरीके से उस पर फोकस करके, फोकस होता है अटेंशन देकर, ऑन वन टाइप मसल ट्रेनिंग पर डे, एक ही मसल पर हम ज़्यादा फोकस देते हैं एट ए टाइम। दीज एक्सरसाइजेज शुड बी परफॉर्म्ड अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोच, जो कोच की ऑब्जर्वेशन मींस उसके ऑब्जर्विंग, उसके अटेंटिव केयर में हम ये जो एक्सरसाइज जो हैं वो करते हैं। कोच होता है ट्रेनर्स जो हमें उसमें मदद कर रहे हैं एक्सरसाइज परफॉर्म करने में। कंक्लूजन मीन इसकी जजमेंट, इसका रिजल्ट क्या है,
और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन पैसिव पोजिशन सेंस ऑफ नी जॉइंट्स इंक्रीजिंग द मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड वर्क कैपेसिटी। तो इसका जो रिजल्ट जो है जजमेंट है कि पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके जो इफेक्ट्स जो इस पर हैं एक्सटर्नल प्लेसिंग पर और जैसे सेंस ऑफ नी जॉइंट्स जैसे जॉइंट्स हैं इंक्रीजिंग द मस्कुलर स्ट्रेंथ है मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने में काम करता है और वर्क कैपेसिटी जो काम करने की शक्ति है वो बढ़ाता है। थर्ड है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज इसकी इंट्रोडक्शन है। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज वर डिवेल्प बाई डी लोनी। तो इस एक्सरसाइजेज को डी लोनी ने डेवलप किया था एस्टेब्लिश किया था। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज आर दोज एक्सरसाइजेज इन विच द मूवमेंट्स ऑफ मसल कैन सीम डायरेक्टली। तो ऐसी एक्सरसाइजेज में हमें जो मूवमेंट है वो उसमें साफ दिखती है। फ्रॉम लैटिन वर्ड्स लैटिन्स हो गया इटैलिक लैंग्वेज में रूम्स की है और इसमें इसका इट मींस सेम टेंशन इसमें एक जैसी ही इसमें मसल्स की जो टेंशन है वो रहती है जो उसका स्ट्रेस रहता है। इन आइसोटोनिक कंट्रैक्शंस जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मींस एक्सटेंड टू द बॉडी तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स एंड शॉर्टन्स और शॉर्टन्स हो गए जब रिड्यूस इन द लेंथ ए कॉन्स्टेंट लोड थ्रू आउट द एंटायर रेंज ऑफ जॉइंट जब उसके जो जॉइंट हैं जहाँ पर मीन्स टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर्स ऐसी जगह पर। सम वर्क इज़ डन ड्यूरिंग दीज एक्सरसाइजेज कुछ काम जो हैं कुछ वर्क जो हैं वो इन एक्सरसाइजेज में हम करते हैं जैसे लाइक जंपिंग में रनिंग वेट लिफ्टिंग एंड डूइंग एनी एक्शन विद मूवमेंट्स और जहाँ भी कोई मूवमेंट है वहाँ पर भी इनको कर सकते हैं। द शॉर्टनिंग इज ए मसल्स प्रिंसिपल एक्शंस तो इसका जो रूल्स है कि शॉर्टनिंग इज मसल्स इसका मेन रूल्स है मसल को शॉर्ट करना है विच इज़ आल्सो कॉल्ड ए कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन तो उसको हम कोसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं और डायनेमिक एक्शंस और कॉन्ट्रैक्शंस तो डायनेमिक एक्शन या कंट्रैक्शन भी बोलते हैं इसको। वी मस्ट फैमिलियर विद द टाइप ऑफ कंट्रैक्शन तो इस ऐसी कंट्रैक्शन को हम अच्छे तरीके से जानते हैं फैमिलियर मींस वेल नोन है हम दिस टाइप ऑफ कंट्रैक्शंस कंट्रैक्शंस होती हैं एक्सटेंडिंग बॉडी पार्ट दीज एक्सरसाइजेस कैन बी डन विद विदाउट ऑपरेटर्स तो जे आइसोटोनिक एक्सरसाइज जो है वो विदाउट ऑपरेटर्स हो गया बिना इक्विपमेंट के भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। टाइप्स इसकी क्या हैं इसकी दो टाइप्स की एक्सरसाइज है जे एक है कोसेंट्रिक एक्सरसाइज दूसरा है इको ईसेंट्रिक एक्सरसाइज। कोसेंट्रिक एक्सरसाइज में क्या है कोसेंट्रिक एक्सरसाइज देयर इज ए अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्शंस अपवर्ड्स हो गया ऊपर की तरफ जो है मसल्स के ऊपर की तरफ जो है इसकी मूवमेंट होती है। इन फ्लेक्सर्स मसल्स शॉर्टन ड्यूरिंग एक्शन एंड एक्सटेंसर मसल शॉर्टन इन साइज। फ्लेक्सर मसल्स क्या होते हैं शॉर्टन्स होते हैं और एंड ड्यूरिंग एक्शंस जब हम वर्कआउट करते हैं एंड एक्सटेंसर मसल्स शॉर्टन इन साइज और उसके साथ साथ जो एक्सटेंसर मसल्स हैं वो भी क्या होते हैं शॉर्टन उनका साइज जो है वो छोटा हो जाता है। इन द कोसेंट्रिक वन ग्रुप ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड अपोजिट मसल्स ग्रुप रिलैक्स। कोसेंट्रिक में एक ग्रुप जो है मसल्स का वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सटेंड बॉडी पार्ट को और दूसरे जो अपोजिट उसके मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं मींस फ्री फ्रॉम एक्टिविटी रहते हैं। इसकी एग्जांपल्स जो हैं एक्सरसाइज की जैसे लिफ्टिंग डंबल वेल्स थ्रोइंग द बॉल्स चिन अप्स लिफ्टिंग फेज ऑफ हैमस्ट्रिंग कर्ल हैमस्ट्रिंग हो गया मसल्स दैट रोटेट टू द लेग्स एंड थाई के हो गए एंड द अपवर्ड मोशन ऑफ पुल अप इसमें पुल अप्स हो गए जब मोशंस में है हमारी बॉडी द अपवर्ड मोशंस ऑफ स्क्वाट स्क्वाट हो गया सिट ऑन द ग्राउंड
इस तरीके की एक्सरसाइजेज। ईसेंट्रिक एक्सरसाइजेज क्या है? ईसेंट्रिक कंट्रैक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ एन आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। ये आइसोटोनिक जो कंट्रैक्शन है उसके अपोजिट जो है ईसेंट्रिक एक्सरसाइजेज है। ड्यूरिंग ईसेंट्रिक कंट्रैक्शन द मसल्स लेंथन्स। तो ईसेंट्रिक के समय जो मसल्स जो हैं उनकी लेंथ जो है वो एक्सटेंड होती है, बढ़ती है। आफ्टर कंट्रैक्शन मसल्स कैन एक्सर्ट फोर्स इवन वाइल लेंथनिंग। तो जब मसल्स जो हैं जो फोर्स जो है वो एक्सर्ट करते हैं, फोर्स हो गई एनर्जी, एक्सर्ट होता है टू पुट फोर्थ एनर्जी को वो डिवेल्प करते हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड ए डायनेमिक कंट्रैक्शंस। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक कंट्रैक्शन मीन्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। व्हेन वी लोअर ए वेट और असिस्ट ए मूवमेंट और ग्रेविटी एंड आल्सो ड्यूरिंग डाउनहिल रनिंग और वॉकिंग डाउन स्टेयर्स द इसेंट्रिक कंट्रैक्शन टेक प्लेस। व्हेन वी लोअर ए वेट, जब हम वजन को कम कर देते हैं और रेसिस्ट एक्सर्ट फोर्स करते हैं अपोजिट डायरेक्शंस में, और ग्रेविटी, ग्रेविटी हो गई अट्रैक्शंस ऑफ मास एंड आल्सो ड्यूरिंग डाउनहिल, डाउनहिल टूवर्ड्स द बॉटम। रनिंग, जब रनिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं, डाउन स्टेयर्स, स्टेयर्स हो गए स्टेप्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो ऐसे जब हम एक्सरसाइज इनमें करते हैं तो द ईसेंट्रिक कंट्रैक्शन टेक प्लेस। तो इस ऐसे में ईसेंट्रिक कंट्रैक्शन जो है वो पैदा होती है। इट मे बी ऑब्जर्व दैट ईसेंट्रिक कंट्रैक्शन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो ईसेंट्रिक कंट्रैक्शन जो है वो बहुत सी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में फ्रीक्वेंटली शॉर्ट इंटरवल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसकी, जैसे किकिंग ए बॉल और लिफ्टिंग ए वेट स्ट्रेचिज द मसल्स विद अपोजिंग फोर्स दैट इज स्ट्रोंगर देन द मसल फोर्स। द डाउनवर्ड मोशन ऑफ पुशअप, लोअरिंग ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग क्रंच और लोअरिंग ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग ए पुल अप। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, मेरिट्स क्या हैं? सबसे पहला मेरिट्स है इट डिवेल्प्स डायनेमिक स्ट्रेंथ। ये डायनेमिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मींस मूवमेंट ऑफ मसल्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। और इट डिवेल्प फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है चेंजिंग हिज बॉडी पोजिशन क्विकली, जल्दी से वो अपनी बॉडी पोजिशन को चेंज कर लेता है। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज आर यूज फॉर डिवेल्पिंग एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या हो गई, टू ओवरकम ए रेजिस्टेंस विद फास्ट कंट्रैक्शंस, जिसमें ब्रस्ट स्ट्रेंथ हो अलॉन्ग विद ए स्ट्रेंथ एंडोरेंस। और एंडोरेंस इज क्या होती है, एबिलिटी टू एक्सप्रेस फोर्स मैनी टाइम्स। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ एंडोरेंस। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज हेल्प्स द मसल टू गेन मास अलॉन्ग विद द थिकनेस ऑफ द मसल्स। तो इसके साथ साथ डेंसिटी ऑफ द मसल्स जो है, मास हो गया, क्वांटिटी ऑफ द मसल्स जो है वो क्या होती है, गेन होती है, इंक्रीज होती है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, व्हेन आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज आर परफॉर्म देयर इज अ चांस ऑफ इंजरीज लाइक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज जब हम परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर चांस होता है, मीन्स कोई घटना होने का, इंजरीज होने के लिए हार्मनेस हो सकती है, हर्ट हो सकते हैं। जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस मीन्स कॉजेज ए बॉडली टेंशंस एंड स्ट्रेन्स हो गए, इंजरी ऑफ मसल्स हो सकता है। वाइल परफॉर्मिंग आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज सम टाइम इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड। तो कई बार क्या होता है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसके लिए हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एन आइसोटोनिक मूवमेंट इज़ दैट अवर मसल्स बिकम क्वाइट सोअर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज। सोअर होता है डिस्ट्रेस मूवमेंट्स, फीलिंग टेंशंस। यू माइट नीड टू टेक ऑफ इंक्रीज्ड टाइम बिटवीन आइसोटोनिक ट्रेनिंग सेशन, डिलेइंग योर प्रोग्रेस।
यू माइट नीड टू टेक ऑफ इंक्रीज्ड, तो कुछ समय के लिए आपको समय को बढ़ाना पड़ेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस, डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन मीन्स मॉर्निंग इवनिंग, डिलेइंग योर प्रोग्रेस, वो आपकी जो प्रोग्रेस है मीन्स बेटरमेंट है उसको डिले कर सकता है, मीन पोस्टपोन कर सकता है। इसका कंक्लूजन है इन दिस स्टडी, इसमें जो ऑब्जर्वेशन की गई है आइसोटोनिक्स में, अप्लाई टू द एंकल जॉइंट्स ऑफ द हेल्दी अडल्ट। एंकल जॉइंट होते हैं जॉइंट बिटवीन द फुट एंड द लेग, और हेल्दी हो गया साउंड बॉडी, और अडल्ट हो गया जो मैच्योर पर्सन है, उस मैच्योर पर्सन के जो एंकल जॉइंट्स हैं वहाँ पर हमें उसकी जो है उस पर ये स्टडी जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं।